प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चीन दौरे का आज दूसरा दिन, वुहान में झील के किनारे जिनपिंग के साथ करेंगे वॉक एंड टॉक, ईस्ट लेक में बोटिंग का भी कार्यक्रम। पीएम मोदी के सम्मान में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का विशेष लंच का आयोजन, आज दोनों के तीन बार मिलने का कार्यक्रम। पहले दिन मोदी ने जिनपिंग को तोहफे के रूप में दिया दो पेंटिंग्स। चीनी पेंटर ज़ू वेईहोंग ने 1939-40 में शांति निकेतन में बनाई थी पेंटिंग। पीएम मोदी ने ट्वीट कर कहा शी जिनपिंग के साथ वार्ता काफी व्यापक और फायदेमंद रहा। संसार में शांति, स्थिरता और समृद्धि, भारत और चीन मिलकर के बहुत बड़ी सकारात्मक भूमिका अदा कर सकते हैं। हुबे प्रोविंशियल म्यूजियम में साथ साथ पहुंचे मोदी जिनपिंग, प्रधानमंत्री ने चीनी राष्ट्रपति का किया धन्यवाद। हुबे म्यूजियम में मोदी ने देखी चीनी संस्कृति और इतिहास की विरासत, जिनपिंग के साथ प्रधानमंत्री ने बजाई घंटियां। हुबे म्यूजियम में रामायण की थीम पर तैयार किया गया था नृत्य, रेड कार्पेट पर पीएम का इंतजार करते नजर आए शी जिनपिंग। शी जिनपिंग के साथ हुबे के म्यूजियम में पहुंचे नरेंद्र मोदी, चीनी कलाकारों ने पारंपरिक अंदाज में किया स्वागत। प्रधानमंत्री मोदी ने शी जिनपिंग को दिया भारत आने का न्योता, 2019 में एक और अनौपचारिक समिट के लिए निमंत्रण। मोदी के चीन दौरे को लेकर राहुल गांधी ने दागे सवाल, पूछा ये तो बताइए मुलाकात का क्या है एजेंडा। चीन दौरे पर गए पीएम को राहुल ने दिलाई डोकलाम और चीन पाक कॉरिडोर की याद, कहा देश चाहता है जवाब। राहुल गांधी फिर पहुंचे मैसूर के सुतूर मठ, जगतगुरु श्री श्री शिवरात्रि देशी केंद्र महास्वामी से की मुलाकात। अमित शाह आज उत्तरी कर्नाटक में करेंगे चुनावी रैलियां, बगलकोट और विजयपुरा में चुनावी सभाओं का करेंगे संबोधन। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने केंद्र सरकार पर हमला किया, कहा तेल की कीमतें बढ़ रही है, महंगाई दर बढ़ रहा है, समझ नहीं पा रहा कैसे बढ़ रहा है विकास दर। मोदी सरकार की ग्राम स्वराज अभियान के तहत मेनका गांधी ने पीलीभीत में लगाया चौपाल, अंधेरे में टॉर्च की रोशनी जलाकर दिया भाषण। वक्त से पहले ही पहुंचने के बाद केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी भाषण देकर चली गई, लोगों से हुई निराश। केंद्रीय मंत्री शिव प्रताप शुक्ल औचक निरीक्षण करने पहुंचे बाराबंकी अस्पताल, लेकिन मरीजों से मिले बगैर और बदहाली पर चुप्पी साध कर हुए रवाना। मध्य प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के वोट वाले बयान पर कांग्रेस का पलटवार, जीतू पटवारी ने कहा राज्यपाल जैसे संवैधानिक पद पर रहकर वोट मांगना संविधान और लोकतंत्र पर हमला। सतना पहुंचने पर आनंदीबेन पटेल ने मेयर के साथ बातचीत में कहा था वोट ऐसे नहीं मिलते, 2022 के मोदी के सपने भी किया था जिक्र। जन आक्रोश रैली में शामिल होने के लिए मुंबई से कांग्रेस कार्यकर्ता रवाना, स्पेशल ट्रेन आज पहुंचेगी दिल्ली। दिल्ली के रामलीला मैदान में कल आयोजित की गई है जन आक्रोश रैली, पार्टी अध्यक्ष राहुल गांधी करेंगे संबोधन। 2019 लोकसभा चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी में बगावत, अबू आजमी ने कांग्रेस से समझौते के खिलाफ खोला मोर्चा। अबू आजमी ने कांग्रेस को बताया धोखेबाज और अवसरवादी पार्टी, अखिलेश यादव को लिखे चिट्ठी। वडोदरा में पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी के खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन, कार्यकर्ताओं ने निकाली साइकिल रैली। यूपीएससी सिविल सर्विसेज के नतीजे घोषित, हैदराबाद के अनदीप ने हासिल किया पहला स्थान, टॉप 10 में तीन महिलाएं शामिल। सिविल सेवा परीक्षा में सोनीपत की अनु कुमारी को दूसरा रैंक, महिलाओं में रही टॉपर। तीसरे स्थान पर है सिरसा के सचिन गुप्ता, बेटी की कामयाबी पर बजे ढोल नगाड़े। पटना के अतुल प्रकाश ने हासिल किया चौथा स्थान, परिवार वालों ने जताई खुशी। इस साल कुल 990 उम्मीदवारों ने पास की सिविल सेवा परीक्षा, इसमें 240 महिलाएं शामिल। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने पंजाब के जलंधर और राजपुरा से दो कश्मीरी युवकों को किया गिरफ्तार, करीब 500 साइट हैक करने का आरोप। गिरफ्तार युवकों का पाकिस्तान और पाक अधिकृत कश्मीर से भी ताल्लुक, पाक के एंटी इंडिया हैकर से भी थे संबंध।
दिल्ली के गाजीपुर रेप मामले में आरोपी मौलवी गुलाम शायद गिरफ्तार, दर्ज हुआ पॉक्सो एक्ट के तहत केस। दिल्ली देहरादून हाईवे पर दुल्हन को गोली मारकर हत्या, कार कैश और जूड़ी लूटकर अपराधी फरार। गाजियाबाद से मुजफ्फरनगर लौटते वक्त हुई वारदात, पुलिस ने कहा हर एंगल से हो रही जांच, पहली नजर में लूटपाट। दिल्ली के जेएनयू में इन द नेम ऑफ लव नाम की शॉर्ट फिल्म के प्रदर्शन पर बवाल, देखे विवेकानंद विचार मंच और जेएनयू लेफ्ट विंग में मारपीट। फिल्म स्क्रीनिंग के दौरान जेएनयू लेफ्ट विंग ने बीजेपी और आरएसएस पर बोला हमला, जमकर किनारेबाजी और पुतला भी जलाया। जेएनयू छात्र संघ की वाइस प्रेसिडेंट सिमोन का आरोप, हिंदू मुस्लिम को बांटने के लिए बनाई गई फिल्म जेएनयू जैसे संस्थान में दिखाना गलत। जारी विवाद को लेकर एबीवीपी का बयान, शॉर्ट फिल्म में वैसा कुछ भी नहीं था, दोनों पक्षों की शिकायत पर पुलिस ने शुरू की जांच। दिल्ली यूनिवर्सिटी के नॉर्थ कैंपस में दिव्यांग छात्रों का प्रदर्शन, बुनियादी सुविधाओं की मांग को लेकर किया सड़क जाम। आगरा में पुलिस और अपराधियों में मुठभेड़, 25,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार। यूपी में जारी एनकाउंटर पर समाजवादी पार्टी नेता नरेश उत्तम का बयान, कहा जाति और धर्म के आधार पर हो रहा एनकाउंटर। बस्ती में 9वीं क्लास की छात्रा को ट्रक ने कुचला, अस्पताल ले जाते समय हुई मौत, नाराज लोगों ने किया हंगामा। हिमाचल प्रदेश के पालमपुर में अपने दोस्त के साथ दर्शन करने मंदिर गई लड़की से गैंगरेप, 5 युवकों पर आरोप। आज दूसरे दिन भी दिल्ली में एम्स के रेजिडेंट डॉक्टर्स की हड़ताल जारी, कल दिन भर की मीटिंग के बाद भी नहीं हुई सुलह, कमेटी ने की काम पर लौटने की अपील। ग्वालियर में पानी के विवाद में युवक की हत्या, आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। इलाहाबाद में वेस्टर्न यूनियन के दफ्तर में घुसकर मैनेजर को शख्स ने मारी गोली, सीसीटीवी के सहारे आरोपी की जांच पड़ताल। कन्नौज में सरकारी स्वास्थ्य सेवा की बदहाली की खुली पोल, एम्बुलेंस में मरीज की जगह फेविकॉल हार्डवेयर ढूंढने की तस्वीर सामने आई। फरीदाबाद के सूरजकुंड इलाके में नाराय कारोबारी की पत्नी की लाश होटल से बरामद, एफएसएल की टीम ने मौके से जुटाए सब। अहमदाबाद में लोक कार्यक्रम के दौरान फिर उड़ाए गए नोट, भजन गायक कीर्तिदान गादवी पर लोगों ने की रुपयों की बारिश। उत्तरकाशी के गंगोत्री नेशनल हाईवे पर भूस्खलन से बड़ा हादसा, मलबे में दबी कार, 2 लोगों की मौत, 1 लापता। मथुरा में एक पेंट फैक्ट्री में भीषण आग लगी, हादसे में करोड़ों के नुकसान की आशंका। इंदौर में व्हाट्सएप ग्रुप पर सेक्स रैकेट चलाने वाले गिरोह का खुलासा, 5 लड़के और 2 महिलाएं गिरफ्तार। भरतपुर में एटीएम लूट के मुख्य आरोपी को पकड़ने गई पुलिस पर हमला, उसके परिजनों ने किया पथराव और चलाई गोली। राजस्थान के धौलपुर में अवैध संबंध के शक में एक शख्स ने अपनी पत्नी को मार डाला, पुलिस ने किया गिरफ्तार। रोहतक के अपना घर मामले में संचालिका जसवंती, उसके ड्राइवर और दामाद को उम्र कैद की सजा, पंचकुला के स्पेशल सीबीआई कोर्ट का फैसला। पंजाब के संगरूर में लाइब्रेरी के लिए सांसद भगवंत मान की फंडिंग को लेकर बवाल, पंचायत के कुछ सदस्यों को ऐतराज। झांसी में अनियंत्रित होकर स्कूली बच्चों से भरी बस पलटी, 1 बच्चे की मौत, कई जख्मी। नोएडा के सेक्टर 56 में एक मकान में आग से हड़कंप, करीब घंटे भर की मशक्कत के बाद पाया गया काबू। महाराष्ट्र के बीड में पटाखे की दुकान में आग के बाद धमाका, हादसे में 3 लोगों की मौत। आसनसोल में दर्दनाक हादसा, तालाब में नहाने गए एक ही परिवार के 4 बच्चों की डूबकर हुई मौत। देवास में कर्ज में डूबे किसान ने की खुदकुशी, इस बार प्याज की फसल बर्बाद होने की वजह से उठाया खौफनाक कदम। मेरठ में नाबालिग रेप पीड़ित ने की आत्मदाह की कोशिश, पुलिस पर लापरवाही बरतने का इल्जाम, बदला गया जांच अधिकारी। आजमगढ़ में एक दुल्हन ने खुद को किया आग के हवाले, मौत से पहले ससुर पर लगाया बलात्कार और टॉर्चर का आरोप। उड़ीसा के झासुगुड़ा में एक्सप्रेस ट्रेन से 6 आईडी बरामद, विस्फोटकों को सुरक्षाकर्मियों ने अपने कब्जे में लिया। आगरा में शौच करने गए युवक को बाइक सवार बदमाशों ने गोलियों से भूना, परिजनों के मुताबिक पुराने जमीन विवाद में हत्या। यूपी के हमीरपुर में बारात लेकर नहीं आया दूल्हा, शादी से किया इनकार, दुल्हन के घर वालों ने की पुलिस से शिकायत।
महाराष्ट्र के वर्धा पुलिस मुख्यालय में जुआ खेलते पकड़े गए पुलिस वाले, पुलिस की छापेमारी में खुलासा, कई सामान बरामद। बंगाल से शराब की तस्करी कर बिहार के किशनगंज लाई गई बड़ी खेप, सब हल्दी की बोरियों के पीछे छुपाए थे टारगेट। झारखंड के गढ़वा में बीटेक की परीक्षा के दौरान छात्रों का हंगामा, जांच के नाम पर बदसलूकी का लगाया आरोप। दमन जेल में बंद रेप और मर्डर के आरोपी ने खुद को रिवॉल्वर से मारी गोली, जेल के अंदर कैदी के पास हथियार पहुंचने पर उठे सवाल। 2 अप्रैल को हुई हिंसा को लेकर ग्वालियर में 3 TI लाइन हाजिर, लापरवाही बरतने के आरोप में कार्रवाई। मध्य प्रदेश के रायसेन में जंगली जानवर ने हमला कर किसान को किया जख्मी, पीड़ित की हालत नाजुक। आज शाम से केदारनाथ धाम में लेजर शो का आगाज, 5 मई तक श्रद्धालुओं के लिए जारी रहेगा प्रदर्शन। कर्नाटक के मुरुडेश्वर में उमड़ने लगी पर्यटकों की भीड़, लोग वाटर स्पोर्ट्स, घुड़सवारी, बोटिंग का उठा रहे लुत्फ। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में फिल्म और संगीत के जाने माने दिग्गजों का समागम, फिल्म फेस्टिवल में सुभाष गई, सतीश कौशिक, माई गिल ने छात्रों को दिए सुझाव। दिल्ली के कई मॉल में अलग अलग कलाकारों का अनूठा प्रदर्शन, लोगों ने जमकर उठाया लुत्फ। आईपीएल में कोलकाता नाइट राइडर्स पर दिल्ली डेयरडेविल्स की जबरदस्त जीत, 2019 का स्कोर खड़ा करने के बाद 55 रन से जीता मैच। फिरोजशाह कोटा में डेयरडेविल्स ने दर्ज की मौजूदा सीजन की दूसरी जीत, अंक तालिका में अभी भी 7वें नंबर पर। दिल्ली के कप्तान श्रेयस अय्यर की तूफानी बल्लेबाजी, 40 गेंदों में 10 छक्कों के साथ ठोके नाबाद 93 रन जमाए। ओपनर पृथ्वी शॉ ने दिल्ली को दी थी तूफानी शुरुआत, 44 गेंदों पर बनाए 62 रन। कप्तानी छोड़ते ही प्लेइंग 11 से बाहर हुए गौतम गंभीर, कोलकाता के खिलाफ मैच में नहीं खिलाया गया। आईपीएल में आज पुणे में चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई इंडियंस की टक्कर, 6 में 5 मैच हारकर अंक तालिका में सबसे नीचे हैं मुंबई, चेन्नई टॉप पर। एशियाई बैडमिंटन चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में आज साइना नेहवाल का मुकाबला वर्ल्ड नंबर 1 ताई जू यिंग से होगी भिड़ंत। कल क्वार्टर फाइनल में साइना ने दक्षिण कोरियाई खिलाड़ी ली जांग मी को हराया, 21-15, 21-13 से जीता मैच। आज सेमीफाइनल में ओलंपिक चैंपियन चेन लोंग से भिड़ेंगे HS प्रणय, क्वार्टर फाइनल में दर्ज की थी सोन वोंग को हो पर जीत। एशियाई बैडमिंटन में किदांबी श्रीकांत और पीवी सिंधु की चुनौती टूटी, क्वार्टर फाइनल में दोनों अपने अपने मैच हारे। उत्तर और दक्षिण कोरिया की पहल की संयुक्त राष्ट्र ने की तारीफ, कहा दोनों देशों के नेतृत्व और साहस को सलाम। कल दोनों कोरियाई देशों के प्रमुखों ने सरहद पर लगाए अमन के पेड़, परमाणु कार्यक्रम बंद करने का दिया भरोसा। इजरायली सेना ने गाजा बॉर्डर पर 3 प्रदर्शनकारियों को मार गिराया, करीब 200 लोग जख्मी। सीरिया में केमिकल हमले के अमेरिका दावों को रूस ने किया खारिज, का फर्जी वीडियो पर किया गया बवाल। यूनाइटेड स्टेट्स में ओलंपिक और पैरालंपिक गेम्स में 59 मेडल जीतने वाली टीम का ट्रंप ने किया स्वागत, कामयाबी पर भी बधाई। अभिनेत्री करीना कपूर पहुंची दिल्ली, एक बड़े ज्वेलरी ब्रांड के शोरूम का किया उद्घाटन। फिल्म सुरमा के रिलीज की तारीख 29 जून से 13 जुलाई हुई, अनिल कपूर ऐश्वर्य राय की फिल्म फन्ने खान के तारीख में भी बदलाव मुमकिन, टकरा सकती है तारीखें। फिल्म डायरेक्टर शौर्य सरकार अपने बीमार दोस्त अभिनेता इरफान के साथ बिताएंगे वक्त, कुछ दिन के लिए काम से ली छुट्टी। एक बार फिर अक्षय कुमार और भूमि पेडनेकर की जमेगी जोड़ी, इस बार फिल्म के बजाय दोनों स्वच्छ भारत मुहिम का बनेंगे हिस्सा। मैडम तुसाद म्यूजियम में लगेगी दक्षिण के सुपरस्टार महेश बाबू की मोम की प्रतिमा, अभिनेता ने जताई खुशी। लेटेस्ट खबरों के लिए यू ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।